गुड मॉर्निंग दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों। मैं बाबा डॉग कलर से, दोस्तों मैं इससे पहले वाला जो मैं वीडियो डाला था यूट्यूब पे, आप हमारा यूट्यूब चैनल देखे भी होंगे, और जो नहीं देखे वो उसको देखे और सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, कमेंट्स करें, जिस तरह से आपको लगे कि हाँ ये वीडियो में ये दिख रहा है वो नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात ये थी, आपको मैं बता रहा हूँ कि आज फिर हमारे पास एक लैब्राडोर का एक पेशेंट आया है, और ये फूड पॉइजनिंग है, लोग उसको ये पार्वो का नाम देते हैं। तो मैं एक पार्वो वायरस का जो मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ वो मैं आपको दिखाता हूँ, और दिखाता हूँ कि इसका क्या कंडीशन है। आज इसका तीसरा दिन आज इसका मैं ट्रीटमेंट मेरे को करते हुए आया है, और आइए चलिए मिलते हैं उस पेशेंट से और उस पेशेंट के ऑनर से, ताकि दोबारा किसी का डॉग बीमार न पड़े। मैं पहले भी बोला था कि कोई भी डॉग को फुल वैक्सीनेशन बिना जब तक किया हुआ नहीं होता है, वो डॉग को घर से बाहर ना निकालें, क्योंकि बाहर वाले कोई भी डॉग के संपर्क में आएगा, कोई सुसु पोटी का स्मेल लेगा, जाहिर सी बात है कि इन्फेक्शन हो जाएगा इसको। और जो कोई भी वेटनरियन के हिसाब से चलिए, फूड कैसे देना है ये नहीं देना है, कभी भी मान लीजिए कुछ उल्टा पुल्टा खाना नहीं खिलाना है, इसके वजह से क्या होता है कि आपके डॉग को गैस्ट्रो हो सकता है। तो चलिए आज मिलते हैं, ये पेशेंट है, ये लैब्राडोर पपी है, ये 3 मंथ्स का पपी है ना, 3 महीना का। और ये देखिए कि किस तरह का इसका पोटी और अपोटी पे फोकस करिए, ये पूरा रेड पोटी हो रहा है। और ये देखिए पपी है, और अभी तक मैं इसको 3 दिन से मैं जो इसको मेडिसिन चलने चाहता हूँ, मेडिसिन कैमरा को भैया सीधा पकड़े, कैमरा मत पकड़िए, क्योंकि वो लोग देखेंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट पे उनको नजर आना चाहिए, क्योंकि नहीं समझ में आएगा उनका डॉग सेफ नहीं हो पाएगा। चलिए मिलते हैं चंदन जी से कि चंदन जी आपका डॉग जिस समय जिस कंडीशन में मेरे पास लेकर के आए थे, और अभी वो उसका क्या कंडीशन है, चलिए मिलते हैं। वो इस ट्रीटमेंट से सर्टिफाइड है या नहीं है, चलिए आइए सामने आकर बात करिए। चलिए इनको दिखाओ, कैमरा घुमा रहा है। नहीं बहुत बढ़िया, पहले तो बहुत रिलीफ है, 75% सुधार में भी है 3 दिन के अंदर। जैसे कल देखिए दोस्तों, मैं इस कैमरा को ऐसे से मत करिए, ऐसे ऐसे करने से क्या होता है ना कि वो खराब होता है, ठीक है। दूसरी बात आपको एक चीज मैं बता रहा हूँ कि इससे पहले भी मैं आपको बताया था कि कभी भी डॉग को जब भी ये पारो वायरस से ये उसके ऊपर जो अटैकिंग होता है उसका सिम्टम मैं बता रहा कि ऐसा सिम्टम होता है, ठीक है। दूसरी बात ये चीज़ है कि कभी भी जब ये बीमारी जब होता है डॉग में, ये वायरस जब फैलता है, और अभी इसका सीजन है, देखिए ये वेदर के वजह से होता है। और दूसरी बात एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि जब ये इन्फेक्टेड होता है ये डॉग, तो उस समय इसको पानी नहीं देना चाहिए, खाना नहीं देना चाहिए, और उम्मीद करते हैं कि ये कल तक ये पपी ठीक हो जाएगा। जब ये पपी ठीक होगा दोस्तों, तो फिर से एक नया वीडियो बनाएंगे। चलिए ये वीडियो को देखने के लिए आप बने रहिए।